आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A question is, during the fermentation of molasses, the number of moles of ethyl alcohol formed from one mole of sucrose is, ठीक है, तो एक मोल सुक्रोज अगर हमने लिया है, fermentation of molasses होगा, then the number of moles of ethyl alcohol formed from one mole of sucrose, ठीक है, तो पहले हम molasses लेंगे, molasses का जब हमारा fermentation होगा, तो यहाँ पे हमारा बनता है सुक्रोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अब जब हम सुक्रोज को तोड़ते हैं, सुक्रोज हमारा होता है C12H24O12, इसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे 4C2H5OH प्लस 4CO2। और ये सुक्रोज से हमें ये कैसे मिला, सुक्रोज का बेसिकली जब ब्रेक डाउन होता है तो सुक्रोज हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। तो सुक्रोज का जो मेन ब्रेक डाउन होता है, सबसे पहले वो होता है हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। दोनों का जो मेन मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो सेम होता है। यहाँ पे अगर हम C6H12O6 ले लें और इसका जब हम ब्रेक डाउन कराएंगे तो C6H12O6 हमारा 2C2H5OH प्लस 2CO देता है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एक अगर ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज से दो मोल्स मिलेंगे, और उसके बाद फ्रक्टोज का भी सेम फार्मूला होगा, फ्रक्टोज से भी हमें दो मोल्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर टोटल सुक्रोज का हम ब्रेक डाउन करा दें तो यहाँ पे हमें 4 मोल्स मिल रहे हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा था, वन मोल ऑफ सुक्रोज से हमें कितने मोल्स ऑफ इथेनॉल मिल रहा है, यानी इथाइल एल्कोहल मिल रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा 4 मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH। तो आंसर है हमारा यहाँ पे 4 मोल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।